साउंड के एक्सपेरिमेंट्स में नोड और एंटी नोड्स क्या होते हैं, इस प्रयोग से हमें यह समझने में मदद मिलेगी। इसके लिए आपको एक छोटा सा खिलौने का 1.5 वोल्ट का टॉय मोटर चाहिए। बाएं तरफ इसके दोनों लीड्स हैं, उसके साथ में एक प्लास्टिक की पुली घिरनी जो मोटर के शाफ्ट के ऊपर बिल्कुल फिट हो, और एक 40 सेंटीमीटर लंबे ऊन के टुकड़े में एक तरफ आप साइकिल का नट और दूसरी तरफ घिरनी को बांध दें, फिर घिरनी को मोटर के शाफ्ट पे टाइट फिट कर दें। उसके बाद में आप एक डबल साइडेड टेप लें, दोनों तरफ उसके गूंद लगा हो, और एक 1.5 वोल्ट की बैटरी के ऊपर आप मोटर को चिपका दें। उसको अच्छी तरह से बांधने के लिए एक रबर बैंड का सहारा लें। अब इस तरह मोटर और 1.5 वोल्ट की बैटरी साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद में आप इस घिरनी को बिल्कुल वर्टिकली लटकाएं, और जैसे भी आप मोटर को चलाएंगे ऊन कंपन करेगा और उसके अंदर आपको नोड्स और एंटी नोड्स दिखाई देंगे। ये बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य है। यहाँ पर आप चार आपको नोड्स और एंटी नोड्स दिखाई दे रही हैं, और इनकी संख्या को बदलने के लिए आप या तो नट के भार को बदल सकते हैं और या मोटर की स्पीड को बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 3 नोड्स और एंटी नोड्स दिखाई देंगी। इससे हमको नोड्स और एंटी नोड्स क्या होती हैं कंपन के समय वो समझ में आएगा।